Widows of Pulwama martyrs are demanding action after they claim that they were insulted and manhandled by Rajasthan police as they wanted to meet the Chief Minister Ashok Gehlot. These women, the protesting widows, have now met Sachin Pilot. They claim that they have been neglected by the state government. My colleague Bhavani with us on the broadcast. Bhavani, क्या demand कर रही थी, क्या मांगे थी इन महिलाओं की, और इन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगाया है कि राज्य सरकार ने इनकी तरफ लापरवाही की है या इनके साथ गलत बर्ताव किया है? देखिए, जो पिछले ये आज सातवां दिन है, सात दिन से लगातार जयपुर के अंदर जो वीरांगनाएं हैं प्रोटेस्ट कर रही है जो शहीद फैमिली की है, और जो मुख्यमंत्री आवास गई थी तब इनका ये कहना है कि किस तरीके से इनको धक्के दिए गए वहां पर, गश्ती का कया चीफ मिनिस्टर मिले नहीं, और उसमें एक वीरांगना का कहना था कि जो मंजू जाट है उनका कहना था कि घायल भी हो गई थी। आज वो सचिन पायलट के घर ये मांग लेकर पहुंची थी, कहा कि उन्हें पार्टी हाईकमान से सोनिया गांधी से मिलाया जाए। इस मांग को लेकर वो सचिन पायलट के यहाँ पहुंचे, यहाँ पर भी वो जो सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो वो अंदर बिल्कुल आ गई। फिर उसके बाद में सचिन पायलट की ओर से जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने बिठाया सम्मान के साथ उनको, फिर उसके बाद सचिन पायलट ने बात की, सचिन पायलट उनके साथ ही बैठे काफी देर तक और उनकी मांगों को सुना, मुझे यकीन दिलाया कि जैसा वो चाहती है जो मदद वो कर सकते हैं करेंगे। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर ये सवाल भी उठाया, उन्होंने कहा था कि देश के लिए शहादत बड़ी है और शहीदों के परिवार के लिए उनको देने के लिए अगर कोई नियमों में संशोधन की जरूरत है तो वो भी किया जाना चाहिए। इस बीच में राजस्थान सरकार ने भी एक सफाई दी है, उन्होंने कहा था कि जो नियमों में संभव था वो सब दे दिया गया, और जो अब जो मांग रही है ये डिमांड कर रही है नियमों के अंदर नहीं है, जो पुराना पैकेज दिया उसकी भी एक डिटेल सरकार ने जारी की है। तो सरकार ने अपनी सफाई दी है लेकिन अभी भी जो डेडलॉक है वो बना हुआ है सरकार की ओर से, कोई जिस तरीके से बातचीत जो होनी चाहिए। भवानी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगभग सात दिन से ये धरने पर बैठी हुई है, इन महिलाओं की क्या मांगे हैं, कौन कौन से ऐसे वादे थे जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने इन विधवाओं से किए थे, इन शहीदों की बेवाओं से किए थे, और अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास पे भी गई, सचिन पायलट से भी मिली, सात दिन से बैठी हुई है, तो क्या ऐसी मांगे हैं जो वो सरकार से कर रही है? देखिए, दो तीन मांगे हैं इनकी एक ये है कि जो नौकरी है वो इनके परिवार को दी जानी चाहिए। उसमें सरकार की ओर से कहा गया कि केस है कि उन परिवार को नौकरी नहीं मिली जिनके बच्चे माइनर हैं, क्योंकि मेजर होना जरूरी है जी। उसमें कहा गया कि इनको कहा गया कि यदि फैमिली मेंबर्स को जॉब दे दें। दूसरा जो ये डिमांड कर रही थी कि इनकी गांव के अंदर जो स्कूल है उसका नामकरण शहीद के परिवार के नाम पर हो, प्रतिमा लग जाए लगाई जाए। मांगे कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, और कुछ में जिसमें सरकार कह रही है कि क्योंकि बेटा या बेटी सिर्फ उसी को नौकरी दी जा सकती है तो उसमें करेंगे, नियमों में प्रावधान यही है, इसलिए इसके अलावा किसी और रिलेटिव को नहीं दी जा सकती। ऐसी इन इश्यू को लेकर अभी सरकार के बीच में और जो काफी मूलभूत मांगे हैं, ये सारी काफी बेसिक डिमांड्स हैं, क्योंकि इस तरह की योजनाएं सरकार की रहती हैं कि जब परिवार में कोई शहीद हो जाता है तो परिवार को इस तरह की मदद दी जाएगी, एंड दीज विडोज आर सेइंग दैट दोज बेसिक प्रॉमिसेस हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। द बीजेपी स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला स्पीकिंग ऑन दिस इशू। Friends, we have seen even in the Mahabharata that when the Pandavas fought the Kauravas, internally they may have been 5 versus 100, but when they faced an external threat, they were not 5 versus 100, they were 105. Mahabharata mein bhi humne dekha hai ki jab Pandav banam Kaurav hota tha tab to 5 banam 100 hota tha, parantu jab कोई विदेशी ताकत होती थी, बाहर से खतरा होता था, तो 5 बनाम 100 नहीं 105 हो जाते थे। पर आज राहुल गांधी का जो वक्तव्य सामने निकल कर आया है ब्रिटेन की भूमि से, और वो भी उस समय पर जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 वर्ष मना रहा है स्वतंत्रता का, और उस भूमि पर जाकर जिस देश ने भारत पर वर्षों तक हुकूमत की, उस देश पर जाकर जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है,